हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। और आज है 19th of April। मेरे चेहरे से थकान लग रही हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये चेहरा कुछ अजीब लग रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि हम आज ही शाम को तिरुपति से आए हुए हैं, तो इसलिए आई एम रियली रियली टायर्ड। आज है कीर्तेश का बर्थडे, तो हमें वो अभी सेलिब्रेट करना है थोड़ा सा। तो अभी हमने केक वगैरह ऑर्डर सोनू ने केक वगैरह ऑर्डर किया है, तो बस अभी थोड़ी देर में जब 12 बजेंगे उनके सामने गिफ्ट आ गया है। मैंने बताया कल उनके सामने गिफ्ट आया और उन्हें पता भी नहीं चला है। और मैंने इसको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये एक्साइटमेंट में मुंह से निकाल ये एक्साइटमेंट ये मुंह से निकाल ही देता, तो मैंने इसको भी नहीं बताया, इसको मैंने अभी बताया है। मैं खुद ही देखने लग जाता है। हाँ, तो इसलिए अभी हम वेट करते हैं, 12 बज जाते हैं, तो कीर्तेश को उठाते हैं। आई होप कि वो चिड़ी पिड़ी ना करें क्योंकि वो सो चुके हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि ना कीर्तेश ने, हम लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं क्योंकि कीर्तेश ने हमें मना किया था कि कोई नहीं, रात में केक थके हुए आएंगे तो रात में केक नहीं काटूंगा, अगले दिन काट लूँगा। एंड कीर्तेश इज़ लाइक कि वो ही डोंट लाइक कटिंग टू केक्स। वो बोलते कि जब शाम को सब आते तो मैं केक काटता ही हूँ, तो रात में भी काटूँ तो इतना वेस्टेज क्यों करना, ऑल दीज थिंग्स। उनके अलग ही लॉजिक हैं, सो ही डोंट बिलीव इन, यू नो, मतलब उनको ये लॉजिक नहीं समझ में आता कि एक रात में काटो, एक दिन में काटो, ऐसा वैसा। तो ही वॉज लाइक कि मत मंगाना रात को, बट स्टिल सोनू ने मंगा लिया है, तो अब मंगा लिया है तो केक कटिंग करेंगे ही। मैं एक्साइटेड हूँ कि जो मैं गिफ्ट लाई हूँ या जो मैंने गिफ्ट मंगाया है उसको देख के कीर्तेश का क्या रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि दैट इज़ समथिंग विच आई एम रियली एक्साइटेड टू नो। तो ये अभी सोनू ने केक मंगाया है अपने प्यारे मामा जी के लिए, पर मामा तो इतनी नींद में है कि मुझे लगता नहीं कि उठने भी वाले हैं। अभी मैं गई थी उठाने के लिए तो बोल रहे थे मुझे नहीं काटना है केक, क्यों मंगाया है। हाँ खोल दो, अब मामा को बुलाना की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रुक जाओ मैं निकालती हूँ, रुक जाओ मैं निकालती हूँ। Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बकरी के पता नहीं मतलब फिर पता नहीं चलेगा। तुमको वो दिया है? अरे केक तो काटो। पहले पहले गिफ्ट देखना है। Happy birthday to you. बहुत मुश्किल से उठे हैं, बहुत मुश्किल से उठे हैं, हमारे ऊपर चिल्लाए भी नहीं है, हम इसी बात से खुश हैं। हम तो 5 मिनट तो इसमें लग गए, कौन उठाएगा, आप उठाओगे कि मैं उठाऊंगा? आप उठाएंगे। कौन उठाएगा मामा? तो The good time would be unimaginable. हाँ, हम डर रहे थे actually. 5 मिनट मतलब मैं जब डर रही थी तो वो तो बेचारा डर ही रहा होगा। Cake is really nice, amazing. Thank you, सोनू जी. फोटो ले ले, फोटो 4-5 फोटो। एक मिनट, अभी एक मिनट रुको, अभी मेन चीज तो बाकी है, अभी तो केक है, रुको रुको। मुझे उठाने में खांसी आ गई है। अब ये तुम्हारा गिफ्ट है, बहुत हैवी है, मैं नीचे रख रही हूँ, इसको अनबॉक्सिंग करो। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। भाई ये छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो पकड़ो तो यार। देखो ना मामी से कितना बड़ा है, मामी से उठाया नहीं जा रहा भाई। बहुत हैवी है ये। आई होप कि तुम्हें पसंद आए और तुम इसका इस्तेमाल करो। और ये बहुत है, ये कल ही आया है। मुझे खुद नहीं पता कब आ गया भाई। इसको तो अभी 2 मिनट पहले पता चला है, जब इसने बोला कि केक मंगा रहे हैं तो मैंने बोला, इसको तो पता नहीं था। और मामा के सामने आया, मामा को पता भी नहीं है, वो तो व्लॉग में पता चलेगा कि कब आया कैसे आया। नींद खोल दी गई है पूरी अच्छे तरीके से, आप देख रहे हैं तुम्हारे सामने है, तुम कॉल ले रहे थे, मैं तुम्हारे सामने डब्बा लेके कमरे में गई हूँ। ऐसे ही होता है, सोच लो ये घर में कितने ज्यादा एक्टिव रहते हैं। एटलीस्ट अभी देखो तो, अब देख ले भाई, अब इससे बाद में देखूंगा मैं एकदम। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, कीर्तेश उठे, देखा डब्बा और दौड़ के अंदर रूम में चले गए। पता नहीं क्या हो गया, पसंद नहीं आया क्या, क्या हो गया भाई? ऐसे नींद में है ना, क्या हो गया? नींद में नहीं हूँ, क्या
नींद में था, मतलब मैं तो सो ही गया था, बट अभी तो मैं एकदम अलग ही स्टेज में हूँ, मतलब अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, नॉट स्टेज, अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में। ऐसा क्या हो गया? गिफ्ट देख के ना मैं पचा ही नहीं पा रहा हूँ। मत पचाओ, लूज मोशन हो जाएंगे, थोड़े से चलेगा, अब आ गया है तो आ गया है। आई एम रियली शॉक्ड, रियली रियली शॉक्ड। मुझे तुमने, तुम और सोनू ना एक दिन कुछ तो बात कर रहे थे, मैंने सुना था, लिटरली मैंने सुना था, मुझे लगा तुम वो छोटे मोटे कैप्सूल वैप्सूल की बात कर रहे हो, मार्शल में भी छोटा वाला जो आता 15-20 हज़ार वाला, भाई ये देख के तो मुझे। अरे उसको तो पता ही नहीं था, उसको तो अभी पता चला है 2 मिनट पहले, उसने जब एक्चुअली आज तुमने तो मना किया था कि रात में केक मत कटवाना, मैं नहीं काटूंगा, तो मैंने तो केक नहीं मंगाया था। हाँ, केक भी कभी कब, अभी तो अभी मैं थोड़ी देर पहले तो आया था, आधे घंटे पहले, कब सोया मुझे पता ही नहीं। सोनू ने केक मंगा लिया था। चलो ठीक है, केक तो केक इज ओके, आई एम हैप्पी अबाउट इट। देयर वाज अ टाइम व्हेन इवन केक वाज नॉट ओके, अभी केक ओके हो गया है। बट भाई आई एम शॉक्ड। एंजॉय करो और इतना मत सोचो, एंड डोंट वरी, मैं अगले महीने तुम्हें बिल भरने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी। बिल की बात ही नहीं भाई, इतना महंगा गिफ्ट ना, महंगा कितने साल बाद दिया ये भी तो सोचो, तो मैं तो गिफ्ट लेती रहती हूँ, पर देती कब हूँ ये भी तो। इतना महंगा ना, इसमें गाने सुनूंगा तो मुझे लगेगा भाई इतनी महंगी चीज में गाना सुन रहा हूँ। क्या पता जब गाना सुनो तो लगे यार हाँ सही है, वर्थ है। वो तो मैंने सुना हुआ है, मैं तो जा के कितनी बार ऐसे जाता था और मतलब ऐसे कंपेयर करता था कि सोनी वर्सेस JBL वर्सेस मार्शल, फिर मार्शल में JBL की कैटेगरी है, दैट आई नो, आई एम अवेयर ऑफ, मतलब मैंने अपने लिए भी सोचता था, मुझे लगता था मार्शल से छोटा वाला लूंगा, मैंने इसके लिए नहीं भाई अभी तो। अरे तुम ऐसे बोलते हो, जब जाते तो लेते यही, पर अभी अभी तुमको क्योंकि मैंने लेता ही नहीं हूं, कभी मैं कभी नहीं लेता भाई। चलो एनीवेज अब चलो उठो, वहां पे हम लोग केक वेक आधा कट के बैठा, तुम यहां के लेट गए, चलो उठो। क्या ही बताऊं, हां ठीक है मत बताओ। दिन होता तो मैं अपनी मां को फोन लगाया था कि मम्मी, तुम मम्मी क्या करती, फिर मम्मी पता ही क्या कहती कि हो गया कोई बात नहीं एंजॉय करो। सच में तुम ना दिया करो मुझे सरप्राइज भाई, कई दिन हार्ट अटैक से गिर जाऊंगा मैं। पता है सोनू से क्या बोल रही थी? हाँ। सोनू बोला यार मैंने केक मंगा दिया, मामा चिल्लाएंगे। मैंने कहा तेरे यार चांसेस कम है, जो मैंने हरकत की है ना आज मेरे चांसेस ज्यादा हैं। तो नहीं तो वो मुझे बोला भी कि क्यों मामी ऐसा क्या कर दिया आपने, तो मैंने कहा कि मैंने ना ये गिफ्ट मंगवा दिया है, मार्शल का स्पीकर मंगा दिया है, वो बन 3। तो बोला था क्या मम्मी आपने, पता नहीं कितने गंदे हो यार आप। मैंने कहा इसलिए तो नहीं बताया क्योंकि तुम एक्साइटमेंट में मेरा सरप्राइज खराब ही कर देते। और वैसे भी क्या मतलब ऐसे स्पीकर्स का, गाने तो तुम सुनने नहीं देती मुझे, गाने तो देती नहीं। मैं गाने नहीं देती हूँ, गाने सुनने दूंगी, गाना अब तुम अच्छे से गाओगे तो सुन। और ना ये मुझे मैसेज आ गया था कि आपका ये डिलीवर होने वाला है, मेरी ना धक 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 हो रही थी कि कहीं ये ना ले ले, कहीं ये ना रिसीव कर ले, कहीं ऐसा ना, जैसे तो कल जैसे किसी का फोन आता था, तो जैसे किसी का फोन आता था ना मैं सीधा कूद के बाहर जाती थी सीधा। और एक बार तो मैंने ना डर के मारे किसी का रैंडम कॉल आया, मैंने काट दिया, वो आके पिकअप करने आया था, वो बोला भी कि आपने फ़ोन क्यों काट दिया, मैं उसको क्या बताऊंगी भैया इसलिए कल जब। और मेरी किस्मत अच्छी थी, जब तुम कल शेव कर रहे थे तो फिर वो आया, मैंने उठा के पहले पीछे रखा यूटिलिटी वाले एरिया में, फिर मुझे लगा जब तुम इधर उधर हो जाओगे, फिर अलमीरा में रखा छुपा के। तो मतलब भगवान मेरे साथ थे, वरना मेरी पोपट हो जाती, क्योंकि इतने बड़े घर में तो हम रहते नहीं है कि छुपा सकूं। एनीवेज आओ चलो केक वेक, मतलब इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मतलब मेहनत क्या की है, इतनी रिसर्च की है, मैंने जितने भी डीजे फ्रेंड्स है ना उनसे पूछा कि कौन सा लू, साउंड इंजीनियर से पूछा, ये वो मैं नहीं जा रहा हूँ ऑफिस ऑफिस, कल मैं सुनूंगा गाने, कल मैं गाने सुनूंगा। कीर्तेश अभी भी मतलब शौक में ही है, उसको पता नहीं क्या हो गया इतना, मतलब ये था कि अगर ये चीज मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करती बताती तब देती ना तो नॉर्मल रहते, इनको अचानक से शौक लग गया, और इनको सरप्राइजेस की आदत है नहीं। जब भी मैंने इनको सरप्राइज दिया हमारी लड़ाई हुई है, लकीली टचवुड इस बार हमारी लड़ाई नहीं हुई है सरप्राइज देने पे। और अभी मैं दिखाती हूँ, अभी भी बैठे हुए हैं और मैं बोल रही हूँ कि अरे ओपन तो कर लो, देख तो लो, से ही बैठे हुए हैं, ये डब्बा ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसे ही बैठे और उसको ताक रहे हैं,
और बार बार यही बोल रहे हैं क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी। और सबसे ज़्यादा यूज़ तुम ही करने वाले हो इसको, तुमसे ज़्यादा एक्साइटेड तो सोनू है। सोनू का भी फ़ोन आया था पता, मैं उधर बैठा हुआ था तो बोला था मामा जब तक मैं आऊँ नहीं ना इसको अनबॉक्स मत करना, मिल के अनबॉक्स करेंगे, मुझे अनबॉक्स करना। मैंने बोला मैं वैसे भी बेटा मेरी हिम्मत नहीं हो रही उसको टच करने की। अब पता है मुझसे मैं अभी मैं डाइजेस्ट ही नहीं, मतलब एक होता है ना कि आप सरप्राइज देते हो तो इंसान का क्या रिएक्शन होता है, सरप्राइज्ड। तो तुम सरप्राइज्ड ही हो। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आई एम श्योर। देखो मैं तुम इससे पहले जो वीडियो डालोगी ना उसमें मैंने तीन ऑप्शन दिए थे ना कि तुम लोग मुझे क्या देने वाले हो। मैंने बोला था कि एयरपॉड देने वाले हो या नाइकी के डंक वाले शू देने वाले हो या मुझे, मैंने बोला था कि मुझे स्पीकर्स देने वाले हो। ये मुझे था क्योंकि एक्चुअली मैंने बात सुनी थी तुम लोगों की एक दिन, तो मुझे था कि तुम लोग ये ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो। बट मेरा ये था कि जैसे कि JBL हो गया या ऐसे छोटू वाले नहीं होते ब्लूटूथ स्पीकर, मतलब ऐसे JBL का, सोनी का या मार्शल का भी तो छोटू वाला इतना बड़ा वाला, मैंने इसमें कुछ ले रखा इसलिए ऐसे दिखा रहा ऐसे दिखा। ये इतना बड़ा देख के मैं लिटरली शॉक्ड हूँ। और मेरे तो पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा, मतलब मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि रखूँ या तुम्हें बोलूँ कि रिटर्न कर दे। नहीं रिटर्न कर दे, रिटर्न विटर्न कुछ नहीं होने वाला है ये, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि ये अभी अभी ये ऐसे नौटंकी कर रहे हैं, अभी खुद लेने जाएंगे तो यही लेकर आते, यही उठा के लाते, पर अभी नौटंकी कर रहे हैं। मुझे मार्शल ही चाहिए अगर लेना है, मतलब या तो नहीं चाहिए, चाहिए तो मार्शल ही चाहिए, सबसे अच्छी क्वालिटी का चाहिए, सबसे बड़ा वाला चाहिए। नॉर्मली जैसे तुमने स्पीकर वो दिए थे ना बॉस वाले हेडफोन, वो मैंने अपने से तुमने बोला था जाओ ले लो, तो वो मेरे लिए सरप्राइज नहीं था, राइट। तुमने आईफोन जब दिया था, देखो लास्ट ईयर जब आईफोन मंगाया था मैं, तब भी मैं शॉक हो गया था भाई कैसे मंगा दिया, मुझे बताया भी नहीं। हाँ भाई ये तो स्टोरी लोगों को पता ही नहीं क्योंकि रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो अभी मैं उठ के मैंने अभी दो तीन वीडियो देखे हैं कि इनका स्पेसिफिकेशन क्या है कैसे, मैं तो टू में ही था कि मतलब ये वाले का मुझे पता ही नहीं। तुम मेरे से बहुत पीछे हो दून जिंदगी में। मुझे तुम्हें अगले साल क्या देना है ये भी मैंने आज डिसाइड हो चुका है मेरे दिमाग में। ये जो है ना ये आज की ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये 6 महीने पहले की प्लानिंग थी जब ये रिलीज भी नहीं हुआ था। तो तुम्हें पता था हमें? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ट्रैक कर रही थी ना। अब मुझे अगले साल तुम्हें क्या देना है मेरे दिमाग में है, मैं उसको ऑलरेडी ट्रैक करना शुरू कर दी हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ भाई, मैं बहुत प्लानिंग के साथ चलती हूँ। मुझे पता है कि तुम यू प्लान अ लॉट। हाँ तो तुम ये मत सुन, तुम तो रैंडमली तुम तो ये पूछोगे आई एम वेरी स्टूपिडोनियस। तुम पता है क्या हो, रात में पूछोगे सुबह केक काटोगे कि रात को, अरे तुम जल ले, जब ले आओगे मैं तब काटूंगी, तुम लेके तो आओ, तुम्हारा तो वो है। दैट इज व्हाट आई सेड, आई एम वेरी हिप्पोपोटामियस। तुम हिप्पोपोटामियस हो। आई एम वेरी हिप्पोपोटामियस। ओह गॉड दिस मैन इज रियली फनी। मुझे अच्छा भी लग रहा है, मुझे अच्छा भी लग रहा है। यू आर सो अपोजिट। धीरे धीरे मुझे अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, हस्बैंड शॉक वाइफ रॉक। एक्चुअली ये तो सच में वही है भाई। कल रात का तो मुझे एक्सप्रेशन भी नहीं पता, मैं तो नींद में, मुझे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि तिरुपति से आए तो थके हुए थे। तो मुझे पहले मैंने बोला यार मुझे लगा यार अभी कल ही कर लेते, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तो उस टाइम पे थोड़ा सा मेरा लाइट स्विच ऑन हुई कि 1 घंटे पहले सोने जब मैं जा रहा था तब बता देते तो नहीं। मुझे भी नहीं पता था कि सोनू ने केक मंगाया है। मैंने तो सोचा था कि गिफ्ट तो मैं कल दे दूंगी सबके साथ जब लोग आएंगे, तो मुझे नहीं था। जब सोनू ने कहा कि मामी मैंने केक मंगा दिया, ऐसा क्यों लगता है मेरे, मुझे मैं तुम्हें अब तो क्योंकि अब खुल के बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है तुमने मेरे लिए एयरपॉड भी मंगाए। पता नहीं, आई डोंट नो इसका मतलब क्यों मंगाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मतलब अब खुल के बात हो रही तो मैं था कह रहा हूँ कि भाई एक दिन एयरपॉड आया है। कहाँ एयरपॉड आया है, पागल हो क्या? इसे कहते हैं खुशी, इसे कहते हैं खुशी, जब जब जो चीज़ चाहिए और वो मिल जाए तो इस उसे ऐसे कहते हैं। उसको क्या प्यारी कर रहे हो, जिसने दिया उसको प्यारी करो। अरे तो ओपन करूंगा तब आएगा तो इसको अनबॉक्स करूंगा। अनबॉक्स करोगे और उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा जब इसको सुनोगे भाई। जब मैं पता है इमेजिन स्टोर पे गई और वहाँ ये ना चल रहा था, लिटरली एक सॉन्ग बज रहा था यही अनहोली वाला, मेरे गूज़बम्स आ गए थे। मतलब यू कैन फील एवरी बीट, इट वाज लाइक मुझे अलग ही मज़ा है भाई। हाँ एक एक टेक्सचर समझ में आता है। सुबह सुबह जब इस पर अपने मंत्र सुनोगे तो भी तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। ये कहते खुशी, म्यूजिक लवर लाइक यू नीड, यू डिजर्व दिस। और तुमको मैं हमेशा कुछ ना कुछ म्यूजिक से रिलेटेड ही क्यों देती हूँ यार, हालांकि मैंने बहुत चीजें दी ही नहीं है। पहली चीज ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम्हारा लाइक वैसे चलता है एकदम, पहले तुम पहले मैं जीरो से एकदम माइनस में चल, माइनस माइनस इनफिनिटी का इशू हो जाता है,
फिर धीरे धीरे जाता जीरो और फिर ऐसे सीधे So after knowing you for so many years, मुझे ये आदत तुम्हारी पता है, तो मुझे इसलिए कल जब तुम बोल रहे थे ना, मैं देखा तुमने, मैंने रिएक्ट नहीं किया कि यार क्यों नाराज हो धूप पर। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हम लोग अभी मंदिर आए हैं क्योंकि आज कीर्तेश जी का बर्थडे है, तो मंदिर आना ही था। हालांकि हम कल ही तिरुपति से आए, बहुत बड़े मंदिर से, पर फिर भी आज तो आना बनता था। तो चलो पहले मंदिर हो लेते हैं। और मिस्टर पिंकी पोंकी, तुमको तो तुम्हारा तो ओवर नहीं हो गया कल तिरुपति? आज इसके लिए ओवर नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ ओवर नहीं हुआ लगा। चलो चलो फटाफट और फिर आगे का काम करते हैं। तो भाई को शाम को मौका मिल गया है, शावर ले लिया है, अब आए हैं मंदिर आए हैं हम लोग, तो हमारे भाग्य खुल गए कि साहब आज नहा लिए हैं। तो हाय गाइस, देख लीजिए गाइस कैसे मैं तैयार हो गया हूँ अपना बर्थडे मनाने के लिए। कुछ लोग मेरा बर्थडे मनाने के लिए मेरे साथ ट्यूनिंग कर रहे हैं ग्रीन टू ग्रीन और केला खा रहे हैं गाइस। कुछ लोग और भी आ गए हैं गाइस, ये देखिए ग्रीन पहन के। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे केक का थीम भी ग्रीन है गाइस, क्योंकि सबने ग्रीन पहन रखा है, बट आई डोंट नो गाइस, देखते हैं। सब ग्रीन में है, एक भैया है जो कल तिरुपति में गए थे, वहां अलग, यहाँ अलग है ना, हम सबने मोहब्बत का शरत किया तो नफरत का अलग दिखना चाहते हैं भैया। गणेंद्र, हैप्पी बर्थडे। ओ भाई ज्ञानेश, तो हमें गणेंद्र ने ये दिया है, हमें कितने लोगों को दिया है? हमें दिया है, हमें स्वयं हमें। अच्छा, ये मुगलों के दामाद है दोस्तों, इसमें मैं बैठ जाऊंगा। सुनो तो, इसमें मैं बैठ जाऊंगी, एलिफेंट है ये, बैठ जाऊंगी, मैं जा सकता हूँ, बैठ जाऊंगा बोला। अच्छा, और ये गनू ने मुझे बोला है कि जाओ घूम के आओ। व्हाट इज इजिप्ट? क्या है वैसे? इजिप्ट है ये, मतलब मम्मी, व्हाट इज दैट कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? मम्मी मम्मी फेरो, तो ये घूमने के लिए है। और मेरा फेवरेट, ओह माय गॉड, मैं कब से सर्च कर रहा था, तुम्हें कहां से मिला? उसको पता है कि तुम लड़कियों के ऑब्सेस्ड हो, तो उसने तुम्हें क्लियोपात्रा, क्या क्लियोपात्रा, ये दिया है भाई। क्या वैसे तो दिखते सब एक ही जैसे, तुम ये देखो, ये वो है चार्म्स, देख रहे? अच्छा, अब मैं समझी ये क्यों है, मैं अपने क्रॉच में लगा सकता हूं ये, देखा? वाओ, और ये अपने लिए भी एक ले लिया है जो ग्लो कर सकता है, बट आई लाइक इट, थैंक यू सो मच। बट मैं गन्नू से खुश नहीं हूँ, वीडियो बनाए थे, मुझे तो कभी नहीं बोले। एंड आई गॉट स्वीटेस्ट बर्थडे विशेस फ्रॉम गनूवली, 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 ओनली 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 ओनली, थैंक यू, बहुत ही सही है भाई, आई एम सो हैप्पी नाउ, इज द बेस्ट थिंग। चलो किसी तो चीज से मेरी हैप्पी हुए, वो भी चार्म ऐड करते हैं ना भैया भी, तो इसीलिए जो है सबको ग्रीन पहनने बोला था क्योंकि ये थीम है। देखो आज मैं खेलने नहीं गया था, ये देख के मुझे ये याद आ गया, बट मस्त बना है। बैडमिंटन रैकेट खाऊंगा, भूल गया, देखो आगे बैडमिंटन रैकेट टूट गया, ये खा लो डंडा, खा लो रैकेट। वर्षा को भी नहीं खिलाया भाई, तुम क्या कर रहे हो भाई? इसीलिए उसने कहा इसकी पैंट कौन खाएगा, बहुत हैवी है ये, बहुत है, हाँ, अरे पूरा बहुत है, है, सॉलिड है, तो सब
किस चीज का है? किस चीज का? ये वो है आटा अभी वाला है। मेरा टी शर्ट कौन खाएगा? तुम खा लो। ओ ये लो गन्नू तुम टी शर्ट खा लो। हम सब केक खाएंगे। केक बहुत टेस्टी है। खा लो। मैं तो ग्रास खाऊंगा। अच्छा सबको टेस्ट करा। ग्रास खाएंगे। तुम टाइगर हो। टाइगर ग्रास नहीं खाता। ये अद्वि ने दिया है। वाह सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन के हरा हरा है समा। क्यों आप कंट्रास्ट वाली फील दे रहे हैं ना? खोलो खोलो आप तो खोल ही रहा हूँ ना भाई। हर गिफ्ट मिलने के बाद रोया जाता है रुलाया जाता है देने वाले मिल जाता है। क्या एक और गिफ्ट मिल जाता तो सोनू बेचारा सजाता है सोनू करता है डेकोरेशन पर ये था कि वो सब तो ठीक है सब लोग गिफ्ट लाए रिटर्न गिफ्ट लाए हो सबके लिए ये किसके लिए है जाइए भैया पहले बट अद्वि और रिंकी भाभी नहीं हम लोग भैया प्लान कर रहे थे हमने आईकिया में देखा भी था राइट ये मामा का गाइस दूसरा गिफ्ट है कल के लिए मैं डांट खा चुकी हूँ अब इसके लिए भी मैं डांट खाऊंगी अरे देख लेना परफ्यूम है अरे बेटा भाई आइए अब अभी मिस कर देंगे सीन हां लो खोल केयरफुल ओ भाई का ओ भाई तुमने ये क्यों खरीदा ये ताकि अब मेरा मत यूज कर वो कोई कुछ सीख रहा है यहां अच्छा, पे सॉरी बीवी ने दिया है नहीं कोई कुछ सीख रहा है बीवी ने दिया है पति को देख सकता गजब है यार कोई सीख रहा है मैं तो यूज भी नहीं करता हूं चलो थैंक यू सो वॉचिंग गाइज अगर आप यहाँ तक पहुँच गए उतना लंबा ब्लॉग था सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय